तमाम सुनने वालों, देखने वालों को प्रोफेसर रियाज बलोच लाइव एजुकेशन चैनल में खुशामदीद। हमने अपने लेक्चर्स प्रोग्राम की स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली की है। दोस्तों की ये राय है, जो कमेंट्स आए हैं मेरे पास, जो फीडबैक आया है मेरे पास, उसमें एक ख्याल जाहिर किया गया है कि आज के जदीद दौर में, सरगर्म दौर में, लोग ये चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उन तक पहुँचे। इस ख्याल को, इस सोच को, इस कमेंट को, इस राय को वैलिड जानते हुए मैंने ये फैसला किया है कि हम अपने वीडियोस की ड्यूरेशन कम करेंगे, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम एक टॉपिक को कई सब टॉपिक्स में, एक लेक्चर को कई लेक्चर्स में डिलीवर करके हम उसके स्पिरिट को मेंटेन रखेंगे, उसके मकसद को मेंटेन रखेंगे। लिहाजा आज हम ऑर्डर 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस ऑर्डर में डेथ, मैरिजेस एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज को टच किया जाएगा। लेकिन जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि इस चैप्टर को हम मुतअद्दद हिस्सों में आपके सामने पेश करेंगे। इसमें एक सवाल तो ये है कि अगर सूट की प्रेगनेंसी के दौरान पैलेंटिव या पैलेंटिव्स में से किसी का डेथ हो जाता है तो उस वक्त अदालत के सामने उस सूट को प्रोसीड करने के अख्तियारात हैं या नहीं हैं, उस सूट को प्रोसीड करके अदालत कोई फैसला साजिर कर सकती है या नहीं कर सकती है, डिक्री जारी कर सकती है नहीं कर सकती है, जजमेंट जारी कर सकती है नहीं कर सकती है, तो एक बुनियादी सवाल है। और जाहिर सी बात है कि ये सवाल उभरना एक फितरी सी बात है। इस तरह के केसेस होते हैं कि ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी केस चल रहा होता है, कोई पैलेंटिव या एक से ज़्यादा पैलेंटिव अपनी उम्र की वजह से तभी उम्र पूरी करके मर चुके होते हैं, या किसी और एक्सीडेंटल डेथ में जो है उनका इंतकाल होता है, तो जाहिर है कानून को इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है ताकि अदालत कानून और रूल्स की रोशनी में कुछ ना कुछ फैसला कर पाए। इसमें एक बात बहुत वाज़े है कि अगर पैलेंटिव या पैलेंटिव्स का इंतकाल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर रहे होते हैं, तो अदालत उनके वरसा को, उनके लीगल हेयर्स को, उनके एजेंट्स को, जो भी लीगली अथोराइज्ड होगा, उसको नोटिस करेगी, और नोटिस करने के बाद जब वो आएंगे अपने केस को
रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने केस को प्लीड करने के लिए, तो केस आगे, सूट आगे प्रोसीड होगा। फर्ज करें कोई नहीं है, कोई नहीं आता है ही नहीं कोई, या कोई नहीं आता है, तो क्या होगा? तो ये जो कानूनी अमल है, जो मैंने पहले अर्ज किया है, उसको पूरा करने के बाद कोर्ट इस पे आर्डर पास कर सकती है। जो भी आर्डर होगा, उस आर्डर का की हैसियत जो होगी, जो फोर्स होगा, लीगल फोर्स जो उसका होगा, लीगल वैलिडिटी जो होगी, वो वही होगी जो ऑर्डर, अगर पेलेंटिफ जो जिसकी डेथ हो गई है, एक्सपायर कर गए हैं, उसकी मौजूदगी में हो सकता था। और इस सारी सूरत हाल में इस बुनियाद पर कि काज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये कोई इस बुनियाद पर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि काज ऑफ एक्शन एक अलग चीज है, उसकी जो लीगल डेफिनेशन है वो कोई अलग चीज है। पैरेंटिव के मरने से काज ऑफ एक्शन ख़त्म नहीं होता, काज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसी एग्जिस्ट करने वाले काज ऑफ एक्शन पर केस या सूट आगे प्रोसीड होगा। अब सवाल ये है कि पैरेंटिव के लिए तो ये चीज़ें बयान की गई हैं, तो क्या डिफेंडेंट के लिए भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा या कोई और प्रोसीजर होगा? डिफेंडेंट्स के लिए सिर्फ रूल को तब्दील किया गया, यानी रूल से मतलब ये है कि कोई कानून तब्दील नहीं हुआ है, कोई जाब्ता तब्दील नहीं हुआ है, कोई कायदा तब्दील नहीं हुआ है। रूल का मतलब ये है कि जो आर्डर 22 के रूल 2 को डिस्कस किया गया है, और रूल 2 के भी अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, वो वही हैं जो पैलेंटिव के लिए सिर्फ पैलेंटिव की बजाय डिफेंडेंट को के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। और ये एक लॉजिकल बात है, ये मेरिट का तकाजा है, ये केस की जो जस्टिफाइड जो तरीक़ाकार है कि जब अगर कानून किसी केस के किसी सूट के एक फरीक को या एक फरीक के जो वरसा हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अगर वो सहूलत मुहैया कर रहा है, तो डिफेंडेंट को भी वही चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस ऑफ हिज केस या देयर केस। तो बस इतना सा फ़र्क है कि एक जगह मतलब एक प्रोविजन दिया गया है डर में, दूसरा प्रोविजन जो है ना वो रूल 2 में दिया गया है। तो अब ये सारी जो है ना वो कैफियत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिक्री के बाद आखिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ गई? डिक्री तो हो गई, अभी तो एग्जीक्यूशन के मरहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने लेक्चर्स का जो सीरीज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दुरुस्त बात है सोचना भी और कहना भी, लेकिन हमने जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया था उसको डिक्री तक पहुंचाया, लेकिन
इस दौरान कई इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, हुए हैं और हैं, जिनको क्लैरिफाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, नौजवान बुकला को, तालिब इल्मों को बहुत सारी चीज़ें अनसर्ड रहेंगी। लिहाजा हम हर तरीके से ये चाहते हैं कि जितने भी सवाल मौजूद हो, जितनी भी चीज़ें लॉ में मौजूद हैं, इस प्रोसीजर लॉ में CPC 1908 में, उन सब को डिस्कस भी किया जाए और उनका लीगल जो रिप्लाई है या कानूनी जो जवाब है उसको भी आपके सामने रखा जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकें। मकसद हमारा अंडरस्टैंड करना करवाना है, मकसद हमारा देखना है कि और समझाना है कि जो चीज़ हमने मतलब ज़िंदगी की हकीकतों से जो है वो अखज करते हैं, उनका जो जवाब है, उनका जो रिप्लाई है, उनका जो स्टेटमेंट है, उसका जो प्रोसीजर है, वो कानून में दिया गया है या नहीं दिया है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कानून में ये सब कुछ दिया गया है और इसी वजह से आपके इन तमाम जो मुमकिना तौर पर ज़हन में पैदा होने वाले सवालात का जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपने हमारे इस लेक्चर को देखा होगा, सुना होगा और पसंद किया होगा। हम एक मिशन पे निकले हैं और ये मिशन जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, आम आवाम है जो इन चीज़ों को समझने की ख्वाहिश रखती है, उन तमाम के लिए आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान में और आम फहम तरीके से, किसी टर्मिनोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से बचते हुए हम ये इल्म पहुंचाना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस काविश को आप बेहतर समझते होंगे, आपके तजावीज़ को, आपके आरा को, आपके कमेंट्स को, आपके तनकीदों को खुश आमदेद किया जाए, कहा जाएगा इस जज्बे के साथ कि आपकी तनकीदें, आपके आरा, आपकी तजावीज़ इस एजुकेशन का जो की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करेगी। और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।